हे गाइस, वेलकम टू टेक फॉर आवर माइंड। तो आज की वीडियो बात करने वाले हैं थ्री जॉब अपडेट्स के बारे में। फर्स्ट टू अपडेट फुल टाइम जॉब होने वाली है जो कि जोहो एंड डेलॉइट की तरफ से आ रही है, एंड थर्ड इंटर्नशिप होने वाली है जो कि ओनली कॉलेज स्टूडेंट के लिए होने वाली है। तो आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हो या फिर पास आउट हो चुके हो या फिर कॉलेज स्टूडेंट हो तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं आपको बताने वाला डिटेल में आपको जॉब के रोल के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, कैसे अप्लाई करना है एंड आपके सैलरी पैकेज के बारे में। बट उससे पहले बताना चाहूंगा मल्टीपल कंपनी हायरिंग कर रही है, एग्जाम्पल के लिए सिस्को है, TCS है, एंड किसी को वर्क फ्रॉम जॉब चाहिए तो मैंने पोस्ट करा हुआ है कल ही टेलस कंपनी का, उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, मे बी आपको जॉब मिल जाए कंपनी में। नवाज के फर्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जोहो की तरफ से आ रही है, तो बताना चाहूंगा जोहो कंपनी अभी हायरिंग करने वाली है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के लिए, जिसके लिए एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। आपने डिग्री में कुछ भी करा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए बी बी टेक, एम ई एम टेक, बी सी ए, बी एस सी, बी कॉम, बी ए, एम ए, एक्स वाई जेड, किसी भी ब्रांच से करा हुआ है अप्लाई कर सकते हो। इवन आप लोग के मार्क्स कम भी हैं 60% से आपके 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इस जॉब के लिए कोई मार्क्स का क्राइटेरिया या फिर डिग्री का क्राइटेरिया नहीं होने वाला। तो अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी, ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड इस जॉब के लिए कोडिंग की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, आपको कोडिंग आती है नहीं आती है अप्लाई कर सकते हो। बट आप सभी कम्युनिकेशन काफी अच्छा है, आपको ईमेल राइटिंग आती है तो जॉब आपके लिए होने वाली है, अप्लाई कर सकते हो। बात करें सैलरी पैकेज के बारे में, तो आप सभी को जॉब मिलती है कंपनी में इस पोजीशन के लिए तो आप सभी को 3.5 का पैकेज मिलने वाला है पर एनएम के हिसाब से, जो कि मिनिमम है, इतना आपको मिलने ही वाला है। इससे ज्यादा ही मिल सकता है बट मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इतना आपको मिलने ही वाला है। आपको जॉब मिलती है कंपनी में तो इस पोजीशन के लिए। नवाज के अप्लाई कैसे करना है इस जॉब के लिए, तो अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, बेसिक फॉर्म है, तो आपको डालना पड़ेगा आपका नेम, नेम डालेगा, ईमेल डालेगा, फोन नंबर डालेगा, करेंट एम्प्लॉय आपने किसी कंपनी में काम करा हुआ है डाल सकते हैं, अदरवाइज आप लोग फ्रेशर होंगे आपको सिंपली एनए फिलअप करना है, देन उसके बाद आप लोग एक्सपीरियंस डाल सकते हो, अदरवाइज आप लोग फ्रेशर होंगे तो फ्रेशर डालना, डालने के बाद करेंट CTC आपने किसी कंपनी में काम करा हुआ है डाल सकते हो, अदरवाइज एक ऑप्शन आने वाला है नॉट एप्लीकेबल वाला सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद CTC फिलअप करना, आपने किसी कंपनी में काम करा हुआ डाल सकते हो, अदरवाइज एक ऑप्शन आने वाला है ओपन वाला, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपकी स्किल्स, आपको जो भी आता है एग्जाम्पल के लिए ट्रबल शूटिंग आता है या फिर आप सभी को नॉलेज है चैट सपोर्ट की, सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद अदर सारे बेसिक क्वेश्चन होने वाले फिलअप करेगा, फिलअप करने को दिक्कत आती है मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नवाज के सेकंड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि इंटर्नशिप होने वाली है, तो बताना चाहूंगा IIT मद्रास अभी हायरिंग करने वाला है कॉलेज स्टूडेंट को स्पेशली फॉर इंटर्न के लिए, एंड आपको इंटर्नशिप मिलती है IIT में तो आप लोग काम करना पड़ेगा डेटा साइंस पे, AI पे, इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है। एनी इंटर्नशिप पेड होने वाली है, मैं आपको बताने भी वाला हूँ कितना आपसे कुछ स्टाइपेंड मिलने वाला है, वीडियो को रास्ते देखिएगा। बट पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जो कि उन्होंने मेंशन भी करा हुआ है, तो आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो एंड आप लोग प्री फाइनल ईयर में हो अप्लाई कर सकते हो, मींस कि आप लोगों ने BBTech करा हुआ है, फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप लोगों ने MEMTech भी करा हुआ है, आप लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर स्टूडेंट हो अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है। एंड इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट होने वाली है वो 14 फरवरी है, तो उससे पहले अप्लाई कर लेना, अभी भी काफी टाइम है, आपसे के बाद अप्लाई कर सकते हो। बात करें सैलरी के बारे में, स्टाइपेंड के बारे में, तो उन्होंने मेंशन भी करा हुआ है इंटर्नशिप पेड होने वाली है एंड आप सभी को इस पोजीशन के लिए 12,000 मिलने वाले हैं पर मंथ के हिसाब से, जो कि मिनिमम है, आपको उतना मिलने ही वाला है। एंड जो ड्यूरेशन होने वाला इंटर्नशिप का वो 2 मंथ का होने वाला है, जो कि मिनिमम है, एंड जो मैक्सिमम है वो 6 मंथ का होने वाला है, जो कि डिपेंड करने वाला है कि परफॉर्मेंस के ऊपर एंड IIT के ऊपर, अगर वो चाहें एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एंड अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, बेसिक फॉर्म में आपको डालना पड़ेगा नेम, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा, फोन नंबर डालेगा, देन उसके बाद बायोग्राफी डालना, मींस कि अपने बारे में लिखना, एंड लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना, अगर एक फॉर्म खुलने वाला उसको फिलअप करना, एंड फिलअप करने का सबमिट पे क्लिक करेगा आपको अप्लाई हो जाएगा। एंड अप्लाई करने के बाद जो भी प्रोसेस होने वाला है सिलेक्शन का, आपकी मेल पर आने वाला है अप्लाई करने के बाद, तो मेल को चेकआउट करते रहना। एंड अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, डेफिनेटली काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, स्टाइपेंड मिल रहा है एंड सर्टिफिकेट भी मिलेगा कंप्लीट करने के बाद। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इंटर्नशिप के बारे में भी। बाकी थर्ड अपडेट के बारे में, वो डेलॉइट की तरफ से आ रही है, तो डेलॉइट अभी हायरिंग करने वाला है सपोर्ट एनालिस्ट के लिए एंड कंपनी का 4 लोकेशन होने वाली है। आपको जॉब मिलती है कंपनी में तो जो आपकी जॉब की लोकेशन होने वाली है वो बेंगलुरु, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई होने वाली है, आपको जाना पड़ेगा लोकेशन पर अगर कंपनी बुलाती है तो, एंड उन्होंने मेंशन भी कर दिया है। बाकी पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो उन्होंने मेंशन करा हुआ है आप लोगों ने डिग्री BBTech करा हुआ है अप्लाई कर सकते हो, एंड आप लोगों ने BBTech किसी ब्रांच से करा हुआ है एग्जाम्पल के लिए CS, IT, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको नॉलेज है ट्रबल शूटिंग के बारे में, एक्सेल के बारे में, वर्ड के बारे में, पावर पॉइंट के बारे में आपको यूज करना आता है एंड नेटवर्किंग की नॉलेज है, तो डेफिनेटली जॉब आपके लिए होने वाली है, अप्लाई कर सकते हो। बात करें बैच के बारे में, तो आप लोग 20, 21 एंड 22 बैच के स्टूडेंट हो, तीनों ही अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है, शॉर्ट लिस्ट होते हो आपको मौका मिलने वाला है एग्जाम देने का, एग्जाम क्लियर करोगे इंटरव्यू होने वाला है, लास्ट में आपको जॉब मिलने वाली है कंपनी में इस पोजीशन के लिए। एंड आप लोग अप्लाई करने वाले डेलॉइट के लिए, एंड आप लोगों को नहीं पता किस तरीके से रिज्यूम बनाना है तो मैंने एक वीडियो पोस्ट करा हुआ है रिज्यूमे के ऊपर,
जो कि ये वाली वीडियो होने वाली है, एंड इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को देखना, समझना, इसके अकॉर्डिंग रिज्यूमे बनाना, एंड डेफिनेटली आपको मौका मिलने वाला है डेलिट में एग्जाम देने का इस पोजीशन के लिए। एंड इसके अलावा आप लोगों को सर्टिफिकेशन करा हुआ है एग्जाम्पल के लिए, ITIL का है, माइक्रोसॉफ्ट MCITP का है, तो आप लोग प्रायरिटी मिलने वाली है। इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है प्रिफर्ड में, तो आपने करा हुआ है मेंशन करना रिज्यूमे में, डेफिनेटली आपको प्रायरिटी मिलेगी। नहीं करा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अप्लाई कर लेना, मे बी आप लोग शॉर्टलिस्ट हो जाओ। बात करें सैलरी पैकेज के बारे में, तो आप सभी को इस पोजीशन के लिए 4 LPA का पैकेज मिलने वाला है पर एनम के हिसाब से, जो कि मिनिमम है, एंड जो मैक्सिमम है वो 6.5 होने वाला है, वो भी आपको मिल सकता है। वो डिपेंड करने वाला है आपके ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, मैंने आपको बता दिया। एंड अप्लाई करने के सिंपली एक ऑप्शन मिलने वाला है, अप्लाई वाला, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पर, आपका अकाउंट है, लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज अकाउंट क्रिएट करना। क्रिएट करने के फॉर्म फिलअप करना, एंड अप्लाई करने को दिक्कत आती है, कोई समझ में नहीं आता, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।